सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं। सुनील जी धन्यवाद आपका, आज काफी दिन के बाद आप दिख रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार ग्राउंड पर चुनाव कैसा हुआ और आपकी पार्टी क्या एक्सपेक्ट करती है। इधर आपके पास ज्यादा कुछ तो नहीं था पिछली बार। हाँ, मायावती ने जरूर इस इलाके में बड़ा गेन किया था। अब आप कांग्रेस के साथ इस इलाके में आए हैं, आपको क्या लगता है कि इस इलाके में समाजवादी पार्टी का कौन से मुद्दे चले? ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके कार्यक्रम के माध्यम से। क्योंकि सातवें चरण की पोलिंग है तो सभी मतदाताओं से मैं अनुरोध करूंगा कि गर्मी बहुत है लेकिन बच बचा करके मतदान करने जरूर जाएं, क्योंकि ये देश को बचाने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का और आपके हक अधिकार का चुनाव है, उसमें भागीदारी जरूर लें। जहाँ तक सवाल है मुद्दे, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, तो मुद्दे पर तो इंडिया गठबंधन लड़ा है, मुद्दे पर तो समाजवादी पार्टी लड़ी है। मुद्दा था बेरोजगारी का, महंगाई का, देश की सीमाओं का, मुद्दा था नौकरी का, मुद्दा था संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, मुद्दा था भ्रष्टाचार का। अब ये लोग क्या मुद्दा जाने, अब बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस देश की सम्मानित जनता ने दो दो बार इतना प्यार, सम्मान, आशीर्वाद और योगदान दिया, दो दो बार बहुमत से प्रधानमंत्री बने, 10 साल रहने के बावजूद आज प्रवक्ताओं को दिक्कत हो रही है। यह दिक्कत माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हुई, वो मुद्दे पर नहीं आ पाए हैं, वो अपने काम नहीं गिना पाए हैं। कहां से शुरू किया था? मछली से शुरू किया, मंगलसूत्र पर आ गए, मुसलमान पर आ गए, पाकिस्तान पे आ गए, भैंस पर आ गए, खाता बंद हो जाएंगे इस पर आ गए और आते आते ध्यान में चले गए हैं। तो सवाल यह है कि इन्होंने कहा 24 घंटे प्रधानमंत्री जी ने काम किया 10 साल, सवाल यह है कि किसके लिए काम किया 24 घंटे? क्या किसानों के लिए किया? अगर किसानों के लिए किया होता तो उनकी आय दोगुनी हो जाती। क्या नौजवानों के लिए किया? क्या देश की सीमा के लिए किया? हाँ, अगर 24 घंटे काम किया तो चंद उद्योगपतियों के लिए काम किया। और ये कह रहे थे मोदी जी की कृपा से। क्या मोदी जी की कृपा से? अपने आप को अवतारित पुरुष घोषित करने वाले, अपने आप को भगवान मानने वाले, देखिए इन सब बातों को देश समझ चुका है। आप कह रहे थे बीफ पार्टी, बताइए बीफ? अरे सर छोड़िए बीफ, ये बताइए यहां आप अकेले भी, अकेले बीजेपी से नहीं लड़ोगे? वैक्सीन वाली कंपनियों से आपने लिया कि नहीं लिया? सर सुनिए ना, यहाँ इनके साथ ओम प्रकाश राजभर भी हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, सर आपके पास कौन है? देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ब्रजेश जी कह सकता हूं, हालांकि जितनी रिपोर्ट हम पे है उससे बेहतर रिपोर्ट आप पर भी होगी। जहां ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं वहां उनकी जमानत नहीं बच रही है, और जो इनके दूसरे सहयोगी अनुप्रिया पटेल जी चुनाव लड़ रही हैं लाखों वोटों से हारेंगे। अब इनसे आप पूछिए कि क्या ये महाराजगंज जीतेंगे, क्या गोरखपुर जीतेंगे, क्या कुशीनगर जीतेंगे, क्या देवरिया जीतेंगे, क्या ये क्या बात कर रहे हो? क्या ये घोसी ये सब तो इनका किला है, इनका इलाका है। क्या गाजीपुर जीतेंगे? इनका इलाका है सर। जीतेंगे मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज जीतेंगे? हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में चुनाव है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हालांकि हमारे नेता ने कहा है कि मोदी जी भी चुनाव हार जाएंगे तो हमें भरोसा है। सर थोड़ा सा तर्क संगत अगर आप आंकड़े रखते तो शायद उस पर हम लोग जितने ठेकेदार हैं हम लोग कुछ और बात आगे बढ़ाते। अब आप तो कह रहे हैं कि ये गोरखपुर भी हारेंगे, सब हार जाएंगे। आलोक जी प्लीज आप बताइए, राजभर और अनुप्रिया के होते हुए कैसे हार जाएंगे? हारे नहीं, क्या मुख्यमंत्री जी रहते हुए? सर राजभर के रहते हुए कैसे हार जाएंगे? क्यों राजभर के रहते हुए घोसी अभी हारे नहीं चुनाव? बहुत बहुत दिन बीत गए क्या ब्रजेश जी? अरे उनके नेता वहां छोड़ रहे, उनकी तो जमानत नहीं बच रही, आप देख लीजिएगा 4 जून को। पर ये तो कह रहे थे कि उन्हीं के दम पर 3 विजिट पे आए हो सर, राजभर जी के दम पे। तो ठीक, अगर हम उनके दम पर आए हैं तो आप उनके दम पर सरकार बना लो, कहे को नहीं, जमानत नहीं बच रही उनकी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत गुमराह करने वाला, धोखा देने वाले और दुष्प्रचार करने। और एक बात मैं केवल कहूंगा ब्रजेश जी, इन्होंने जहां से शुरू किया कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अपील की है, हाँ अपील की है, बहुत मजबूती से अपील की। हालांकि हम, हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता इस बात के लिए तैयार थे
कि बड़ी मजबूती के साथ काउंटिंग करानी है, वहां देख रेख करनी है, लेकिन नेता का आदेश हो गया है और आदेश हुआ है कि जब तक सर्टिफिकेट ना मिल जाए, ये बीजेपी शासन प्रशासन पुलिस लाठी डंडे किसी से डराने की कोशिश करे तो डरना नहीं क्या है। आलोक अवस्थी जी कह रहे थे कि पर्चा लीक हो गया, जनता ने तो बचा लिया देश। आपको तो पहले से पता है एग्जिट पोल क्या आने वाला है। ये तो पर्चा लीक वाली पार्टी से है ना। देखिए ब्रजेश जी, पर्चा लीक वाली पार्टी से है, पर्चा लीक वाली सरकार से है, पर्चा लीक वाली ये आपने सही बाढ़ वाली विचारधारा से है। ओके, पर्चा लीक देखिए, मैं अंशु अवस्थी को इनवाइट करना चाहता हूँ। धन्यवाद ब्रजेश जी, पूछिए नाइन से। हाँ, एक सेकंड आलोक जी, अभी सब पूरा सब समय है।